Now what we are going to be making is called Gulnar Kali. And ये जो आपका घोष है इसमें कुछ स्पेशलिटी है? हाँ, ये हम इसको निकालते हैं बकरे की रान से। अच्छा जी। और इसके बाद में हम इसको पकाते हैं और इसको तरह तरह के जायकों से पकाते हैं और तरह तरह के नाम देते हैं। लेकिन ये जो कट है इसका, ये रान से ही निकलता है, लेकिन इसका शेप ये आपने काट के नहीं किया ना इसको? नहीं, ऐसे नॉर्मली इसको मसल पोर्शन निकाल के ऐसे। जी, लुक एट दिस, दैट इज व्हाई द कट ऑफ द मीट इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ कुकिंग। ठीक है, चलो ये कलियां तो आ गई जी। ये कबाब है? ये कबाब, ये कबाब है जी। अच्छा, गुलनार कबाब, गुलनार कबाब, ये कबाब है। चलो अब हमें आप लहसुन अदरक दें। इसको इतना भूनना है कि लहसुन और अदरक की खुशबू को खत्म कर देना। अच्छा, और वो एक रंग से ग्रेवी रह जाए लहसुन अदरक। This is really interesting. What chef is doing is that he is frying the garlic paste to a point where the aroma or the pungency of the lahsun and adrak disappear and it forms just a thick gravy. Ab isme chilli paste dijiye. Ji, chilli paste. Ji. Lal wali chilli paste? Ji, ji, ji. Dahi lai. रेड चिली पेस्ट एंड दही और डाल दीजिए, आधा आधा बस। तो ये तो, ये इसका मैरिनेट बन रहा है जी। पहली बार देख रहा हूँ कि मैरिनेट, पकाया हुआ मैरिनेट बन रहा है। नमक दीजिए। अब ये मटन डाल दिया इसमें। ये जो चिलीज आपने लाल वाली चिलीज यूज की जी, वो तीखी चिलीज है या कलर वाली चिली? कलर वाली, कलर वाली। फॉर मी दिस इज अ फैसिनेटिंग डिश बिकॉज द शेप एंड द फॉर्म ऑफ द मीट रिमेन्स एग्जैक्टली द वे इट इज। एंड क्या ये? काजू पेस्ट, काजू पेस्ट। एंड इट डजंट लुक लाइक पीसेस ऑफ मटन, इट्स लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। इसको पकने में तो समय लगेगा? नहीं नहीं, बस तैयार है। लेकिन ये मटन इतना फटाफट पकता है? अब देख लीजिए आपके सामने, आपने क्या देखा था इसको? हाँ, I won't say a word. इसमें लाइए, मसाला दीजिए हमें। कौन सा वाला? ये गरम मसाला। हाँ, ये गरम मसाला दीजिए अपने हाथों, थोड़ा सा हाँ दीजिए, हाँ दीजिए बस। ये जीरा है? हाँ, गरम मसाला जीरे का भी होता है। अच्छा, जीरे का गरम मसाला है। अब थोड़ा सा इसमें ये मसाला दीजिए। और ये देखिए, ये इतना काफी? हाँ बस, डाल दीजिए। अब ये भी हमारा रेडी, दम पे हो गया, दम पे लगे, दम पे लगेगा यानी इसको ढक के स्लो कर स्लो फायर पर रख देंगे, अब ये गलेगा। अच्छा, और वो स्लो फायर दम पे कितने समय तक रखते हैं इसको? कम से कम गोश्त के हिसाब से होता है। हाँ। कोई गोश्त एक घंटे में गलता है। हाँ। कोई आधे घंटे में। हाँ। तो हमारा गोश्त है आधे और पौने घंटे घंटे के बीच वाला। ठीक है, तो दिस इज नाउ द बेसिक प्रेपरेशन इज रेडी। नाउ द मीट हैज टू कुक, सो इट्स गोइंग टू बी पुट ऑन अ स्लो फायर क्लोज्ड ऑन दम टू कुक। इट विल टेक अबाउट 45 minutes.